हेलो वेलकम टू चैनल गाइस। अभी मैं आपको बताऊंगा दिल्ली की बसों का हाल। उत्तराखंड की जो हमारी बसें हैं जो दिल्ली को जाती हैं उसका हाल मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम बस में चढ़ चुके हैं। ये रहा हमारी बस का सेटअप, जो हमारी बसेस का सेटअप है ये देखिए सर। ये देखिए पूरी हमारी बसेस ऐसी हैं, अभी तो खाली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई आगे की सीट ही लूँ, क्योंकि पीछे अगर मैं यहाँ पे बैठूँगा तो एकदम टायर के नीचे देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है इधर। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बस में ही बैठा रहूँ और मैं सबसे आगे वाली सीट पकड़ूँ, क्योंकि पीछे की सीट में यह है आप ना अच्छे से बैठ पाओगे ना अच्छे से सो पाओगे, क्योंकि उत्तराखंड की बसों को पैसेंजर के कुछ नहीं होने, अपने टाइमिंग से मतलब है और वो अपने टाइमिंग से ही चलते हैं, चाहे कोई सोए या ना सोए, चाहे कोई अच्छे से बैठे या ना बैठे। लोग सब लोग आए हैं अभी धीरे धीरे। यहाँ से मैं आपको बाहर का बताता हूँ, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है। अगर आप कोई भी इमरजेंसी में होता है तो आप यहाँ से इस शीशे को तोड़ करके या ऊपर से यहाँ पे हथौड़ा रखा हुआ होगा उस हथौड़े से शीशा तोड़ के आप बाहर निकल सकते हैं। तो मैं अभी बैठूंगा आगे वाली सीट में। ये देखिए ये बस तो काफी अरेंजमेंट में मुझे अच्छी लगी, साफ सफाई में थोड़ा कुछ तो सही है, वरना पिछली बार में जिस बस में गया तो इतने घटिया इतनी गंदी बस थी, बारिश में भी ऊपर छत से पानी टपक रहा था उसके। और आप खुद ही सोचो अगर आप जिस बस में बैठे हो लॉन्ग टूर पर जा रहे हो, आप नींद में आप देख रहे हो कि आपके ऊपर पानी टपक रहा है तो आप क्या करोगे। देखिए ये ठीक है, अच्छी है, ये अंकल आए हैं, पहाड़ी हैं हमारे, ये ऊपर रखेंगे इसको, वही अरेंजमेंट मैं अपनी कर रहा हूँ अभी। बस गाइज अब मेरा ये न्यू ब्लॉग है, मैं नई स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो बस आप मुझे सपोर्ट करिए। बाकी नॉलेज मैं आपको उत्तराखंड के बारे में देता रहूँगा, बाकी आउट ऑफ इंडिया कैसे जाना है, वो आउट ऑफ इंडिया में कैसे अप्लाई करता हूँ भाई होटल मैनेजमेंट, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। बस आप अभी देखिए कि किस हिसाब से लोग ट्रैवल करते हैं उत्तराखंड के, बिकॉज़ यहाँ पर कोई ना ही कंप्लेन करता है ना कोई कुछ बोलता है किसी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सीधे लोग होते हैं, आपको पता ही है पहाड़ के लोग कितने सीधे होते हैं, तो उन्हें किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा इस ब्लॉग के जरिए, और आप मेरे साथ आगे जैसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप देख करके स्किप करके निकल जाइएगा। थैंक यू।